चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। बालोतरा क्या है, इसकी पहचान क्या है, और यदि बालोतरा का परिचय देना हो तो कैसे दिया जाए? राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में बाड़मेर जनपद में बसा, औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से राज्य के महत्वपूर्ण शहरों में एक। राजस्थान राज्य में 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले 40 शहरों में एक। जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य का 37वां सबसे बड़ा शहर। RJ 39 से पंजीकृत होने वाले वाहनों का गृह नगर। राज्य में नए बनने वाले जिलों की दौड़ में सबसे आगे खड़ा शहर बालोतरा। जोधपुर से पश्चिम में लगभग 105 किलोमीटर यात्रा तय कर पचपदरा होकर राजमार्ग उत्तर की ओर से बालोतरा शहर में प्रवेश करता है। शहर में प्रवेश करने वाली यह सड़क पचपदरा रोड अथवा जोधपुर रोड के रूप में जानी जाती है। शहर के प्रारंभ में ही सड़क के दाईं ओर श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर का परिसर दिखाई पड़ता है। जोधपुर मार्ग यहां से दक्षिण की ओर मुख्य शहर की ओर बढ़ जाता है। दोनों ओर बने सुंदर भवनों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों का अवलोकन करते हुए सड़क बस स्टैंड तिराहा से गुजरती है। बस स्टैंड तिराहे से पश्चिम की ओर बालोतरा बस अड्डे का परिसर स्थित है। बालोतरा से जयपुर, जोधपुर समेत आसपास के शहरों में आवागमन हेतु बस सेवाएं संचालित की जाती हैं। बस स्टैंड तिराहे से जोधपुर मार्ग दक्षिण की ओर पुराने बस स्टैंड चौराहे की ओर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ जाता है। बालोतरा शहर एवं शहर में समा चुकी ग्राम पंचायतों को जोड़कर बालोतरा शहर में वर्तमान में लगभग 1,11,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य का 37वां एवं जोधपुर संभाग में जोधपुर, पाली एवं बाड़मेर के पश्चात 4था सबसे बड़ा शहर है। दक्षिण में बढ़ते हुए जोधपुर मार्ग नगर परिषद स्थित तिराहे पर पहुंचता है। यहां नगर परिषद बालोतरा का प्रशासनिक कार्यालय स्थापित है। नगर परिषद तिराहे से पूर्व की ओर का मार्ग मोंगड़ा की ओर प्रस्थान कर जाता है। जोधपुर मार्ग नगर परिषद से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए शहर के जिला चिकित्सालय स्थित तिराहे पर पहुंचता है। यहां जिला चिकित्सालय बालोतरा का परिसर स्थित है। यहां से दक्षिण की ओर भूमिगत सेतु रेलवे स्टेशन स्थित पुराने बस स्टैंड चौराहे पर पहुंचता है। पुराना बस स्टैंड बालोतरा शहर का व्यस्ततम चौराहा है। यहां रेलवे स्टेशन बालोतरा का परिसर स्थित है। बालोतरा से जोधपुर बाड़मेर रेलमार्ग गुजरता है। यहां से राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, बिहार, बंगाल आदि राज्यों में आवागमन हेतु रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। बालोतरा रेलवे स्टेशन के ठीक सामने राजकीय कन्या महाविद्यालय का परिसर भी स्थित है। पुराने बस स्टैंड चौराहे से पश्चिम की ओर बाड़मेर मार्ग एवं दक्षिण की ओर शहर का मुख्य बाजार स्थित है। मुख्य बाजार क्षेत्र में प्रवेश करते ही शास्त्री चौक एवं गौर का चौक आदि दिखाई पड़ते हैं। गौर का चौक से पूर्व में कचहरी मार्ग एवं दक्षिण की ओर शहर का व्यस्त बाजार सदर बाजार स्थित है। सदर बाजार में सदैव व्यस्तता बनी रहती है। सदर बाजार में दोनों ओर बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं। गौर का चौक से पूर्व में कचहरी मार्ग भी शहर की मुख्य बाजारों में एक है। कचहरी मार्ग अपने पूर्वी छोर पर जेरला मार्ग पर जिला सत्र न्यायालय के निकट जुड़ जाता है। रेलवे स्टेशन से दक्षिण की ओर स्थित जेरला मार्ग पर ही तहसील एवं उपखंड बालोतरा का कार्यालय, थाना बालोतरा का प्रशासनिक भवन एवं जिला सत्र न्यायालय बालोतरा का परिसर स्थित है। दक्षिण में सिणधरी एवं जालौर से आने वाला राजमार्ग शहर के दक्षिण में बहने वाली लूणी नदी को पार कर बालोतरा शहर में प्रवेश करता है। यह मार्ग शहर में जेरला रोड के रूप में जाना जाता है। शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जेरला मार्ग से जुड़ा हुआ है। बालोतरा अपने कपड़ा उद्योग के लिए अति प्रसिद्ध है।
यहाँ छोटी बड़ी लगभग 500 कपड़ा उद्योग इकाइयाँ संचालित हैं। इसे वस्त्र नगरी के रूप में भी पहचाना जाता है। बालोतरा जिला स्तरीय शहरों जैसा ही विकसित एवं सुव्यवस्थित शहर है। व्यापारिक, शैक्षिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से यह राजस्थान में बनने वाले नए जिलों की सूची में सबसे पहले स्थान पर खड़ा दिखाई पड़ता है। जेरला मार्ग कचहरी के निकट रेलवे स्टेशन पर जुड़ जाता है। रेलवे स्टेशन से पश्चिम में जाने वाला मार्ग बाड़मेर मार्ग के रूप में जाना जाता है। बाड़मेर मार्ग पर भी व्यापारिक गतिविधियां तेजी से फलफूल रही हैं। बालोतरा बाड़मेर जनपद के अंतर्गत आने वाले 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। बालोतरा के स्थानीय निवासी बाड़मेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते हैं। शहर का अग्रवाल कॉलोनी, महावीर कॉलोनी समेत कई प्रमुख आवासीय क्षेत्र बाड़मेर मार्ग से जुड़े हुए हैं। बाड़मेर मार्ग से ही औद्योगिक क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा भी जुड़ा हुआ है। बाड़मेर मार्ग पश्चिम की ओर जिला मुख्यालय बाड़मेर की ओर प्रस्थान कर जाता है। जिला मुख्यालय बाड़मेर से बालोतरा की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है। बाड़मेर मार्ग पर ही ग्राम खेड़ में रणछोड़ राज तीर्थ स्थित है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका जाते समय यहां से गुजरे थे, इसी कारण यह मंदिर परिसर अपना विशेष महत्व रखता है। रेलवे स्टेशन से पूर्व की ओर सड़क समदड़ी मार्ग पर भी बालोतरा शहर का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। शहर का गांधीपुरा एवं बालाजी नगर क्षेत्र इसी मार्ग से जुड़ा हुआ है। बालोतरा जैसे विकसित एवं सुंदर शहर में आना और इसे कैमरे में संजोना एक यादगार अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बालोतरा पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो बालोतरा शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।